हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बीना सेठी। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि घर पे प्रेगनेंसी किट की हेल्प से कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कब करना चाहिए। देखिए, जब आपकी पीरियड्स की डेट होती है तो कई बार तो आपको उससे दो चार दिन पहले ही पता चल जाता है आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं और आपकी ब्रेस्ट में या लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा पेन होने लगता है, कई बार वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको वैसे ही आइडिया लग जाता है कि दिस मंथ यू हैव कंसीव्ड। लेकिन सम टाइम आपके हार्मोन्स उतने नहीं बनते तो आपको कम से कम दो या तीन दिन वेट करनी चाहिए ताकि हार्मोन्स डेवलप हो सके और आपकी ये किट खराब ना जाए और आपको 100% श्योरिटी के साथ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ मैंने दो डिफरेंट किट्स लिए हैं आपको समझाने के लिए कि आप घर पे मार्केट से ये किट लाके कैसे टेस्ट कर सकते हैं बिना हॉस्पिटल जाए। तो ये देखिए, ये मैंने एक किट ली है मेक श्योर की और ये मैंने दूसरी किट ली है प्रेगा न्यूज की। अब मैं इसको ओपन करने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी कि हम इसको कैसे घर पे खुद टेस्ट करते हैं बिना किसी दिक्कत के, बहुत आसानी से। ये मैंने एक किट को मैंने कट किया और ये मैंने दूसरी किट को कट किया। ये दोनों किट यहाँ पे निशान था, वहां से मैंने कट कर दिया। तो ये सबसे पहले मैंने मेगा मेक श्योर वाली किट को लिया और देखिए, इसके अंदर आपको इस तरह से एक छोटी सी किट मिलती है। बिल्कुल इस तरह से आप इसको ऐसे सीधा करके रख देंगे और देखिए, हम देखते हैं इसमें क्या है। ये एक सिलिका जेल की पाउच है जो इसको मॉइस्चर से बचा के रखती है। ये आपके किसी काम की नहीं है, आप इसको थ्रो अवे कर सकते हैं। साथ में आप देखेंगे, आपको एक मिलता है छोटा सा ड्रॉपर। ड्रॉपर की हेल्प से आप यूरिन को इसके ऊपर रखेंगे। तो अभी हम देखते हैं हमने कैसे टेस्ट करना है। ये मैंने दूसरी किट ली है, दूसरी किट में देखते हैं क्या क्या है। दूसरी किट में भी सेम इसी तरह की एक किट है और साथ में है आपके पास, ये देखिए, एक छोटा सा ड्रॉपर। आपको ड्रॉपर भी दिया जाता है, ड्रॉपर को मैं इसके साथ ही रख रही हूँ। और इसमें भी आपको मिलती है एक सिलिका जेल की पाउच। ये पाउच भी इसको सिर्फ मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, तो आपने इसको यूज नहीं करना, आप इसको रख दीजिए, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, हम इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। ये हमने दोनों किट्स खोल ली हैं। ये आपके पास एक टाइप की किट है जिसको मेक श्योर से हमने लिया था। आप ध्यान दीजिए, इस रैपर को आपने फेंकना नहीं है, बिकॉज कई बार आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, तो आप इसको वापस इसमें रख के डॉक्टर के पास भी ले जा सकते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इस किट में आपको जो एक ड्रॉपर मिला है, यहाँ पे एक गोल आपको सर्किल दिख रहा है। यहाँ पे आपने ये सपोज, ये मैंने अभी तो वाटर ले रखा है, आपने वाटर की जगह फर्स्ट यूरिन लेना है पीरियड के दो तीन दिन बाद। और अगर आपको नहीं आ रहे हैं पीरियड तो आप और एक दो दिन वेट कर सकते हैं, आपको उससे और पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप खुद चाहते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो आपको कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए पीरियड्स के डेट के दो तीन दिन तो कम से कम रुकना ही है, और आप उससे आगे एक दो दिन और रुक सकते हैं तो आपको रुकना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में अच्छे से हार्मोन्स बन जाए और आपको रिजल्ट पॉजिटिव आना है तो वो क्लियर कट पॉजिटिव आ सके। इसमें आप एक छोटे से किसी भी बर्तन में, ग्लास में या कोई प्लास्टिक के कप में इस तरह से थोड़ा सा यूरिन लेंगे। ये भी बहुत ज्यादा है, आप इससे भी कम ले सकते हैं। और यूरिन कौन सा लेना है आपको, आपने पहले तो कोशिश करनी है कि पूरी रात यूरिन होल्ड करें, यानी कि रात को कोशिश करें कि 1-2 टाइम्स जो अगर यूरिन पास करते हैं तो आप ना जाएं, और जितना होल्ड कर सकते हैं करें। और फिर मॉर्निंग में जो आपका फर्स्ट यूरिन है, आप उस यूरिन को थोड़ा सा कलेक्ट कर ले। आप जिस
कंटेनर में कलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दें वो बिल्कुल साफ धुला हुआ हो और उसके बीच में कोई स्मेल ना हो। कई बार आप बॉटल्स वगैरह यूज करते हैं तो उन बॉटल्स में स्मेल होती है, जिसकी वजह से आपका टेस्ट खराब हो जाता है, या बॉटल साफ नहीं होती, क्लीन नहीं होती, तो आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन और ऐसी बॉटल जिसमें कोई स्मेल ना हो वो लेनी है। इससे अच्छा आप डिस्पोजेबल कप कोई ले सकते हैं जिसमें की स्मेल नहीं होती। अब आप देखेंगे ये जो गोल स्पॉट बना हुआ है, यहाँ पे इस ड्रॉपर की हेल्प से ओनली 2-3 ड्रॉप्स आप लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें ये सैंपल, यूरिन का सैंपल कलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको कहाँ रखूंगी, ये जो गोल सर्कल शेप में आपको छोटा सा होल दिख रहा है, यहाँ पे मैं ओनली 2-3 ड्रॉप्स ही डालूंगी। 1, 2 and 3। यस, सो नाउ यू हैव टू प्लेस इट फॉर 5 मिनट्स। आप इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, आप इसको कुछ भी टच नहीं करेंगे। और आफ्टर 5 मिनट आप क्या देखेंगे कि ये किसी ना किसी तरह से आपको या तो एक लाइन या दो पिंक लाइन मिलेंगी। अब आप इसकी लाइंस का मतलब समझिए, अगर आपको एक लाइन पिंक कलर की मिलती है, इट मींस नेगेटिव रिपोर्ट, कंसीव नहीं हुआ है। और आप चाहें तो 2 या 3 दिन बाद इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप दूसरी किट लाएंगे, सेम किट आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। और अगर 2 पिंक लाइन आ रही हैं, तो फिर तो गुड न्यूज है, मींस टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर एक भी पिंक लाइन नहीं आती, इट मींस इनवैलिड टेस्ट है, या तो आपने यूरिन का सैंपल कलेक्ट नहीं किया ढंग से, या आपने किट जो ली है वो खराब हो चुकी है, एक्सपायरी डेट की किट है, या उसमें किसी और वजह से कोई ना कोई टेक्निकली उसमें कोई खराबी आ गई है, तो आप क्या करना है, दूसरी किट से टेस्ट करना है। इसको आप ना तो पॉजिटिव मान सकते हैं ना नेगेटिव मान सकते हैं। अगर एक भी लाइन नहीं आती तो इट मींस ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो मेक श्योर होने के लिए आपने क्या करना है, मेक श्योर की एक और किट लेनी है और उससे टेस्ट करना है। जब आप इसको 5 मिनट के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, इसको नहीं टच करते, तो अब देखिए आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, यूरिन की जगह वाटर सैंपल लिया था, तो इसीलिए मुझे इसमें ये जो रेक्टेंगुलर स्पेस है, ओवल शेप है, यहाँ पे आपको केवल एक पिंक लाइन दिख रही है। और अगर यहाँ पे 2 पिंक लाइन होती तो इट मींस टेस्ट पॉजिटिव है। तो आपने देखा कैसे हम किट की हेल्प से पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट दोनों ही कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये प्रेगन यूज वाली किट लेते हैं तो इसका भी सेम प्रोसीजर है। इसमें भी आप देखेंगे कि आपको एक छोटा सा सैंपल डालने के लिए आपको एक होल दिखेगा सर्कल शेप में, उसके बाद एक रेक्टेंगुलर आप देख रहे हैं कि शेप है, ओवल शेप थोड़ी सी बड़ी, जिसमें 2 लाइन या 1 लाइन या कोई भी लाइन नहीं आएगी। अगर इसमें भी 2 लाइंस आती हैं तो इट मींस गुड न्यूज, टेस्ट कंफर्म है, पॉजिटिव है, हैप्पी प्रेगनेंसी है। और अगर एक ही लाइन आती है तो इट मींस यू हैव टू वेट, मींस अभी इसमें HCG हार्मोन आपकी बॉडी में नहीं बना है और आप प्लान कर रहे हैं, तो मे बी आफ्टर 1-2 डेज आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। लेकिन अगर आप देखते हैं कि एक भी लाइन नहीं आई, तो ना तो आप उससे पॉजिटिव ना ही आप नेगेटिव इन्फर कर सकते हैं, ना तो आप उसको पॉजिटिव मान सकते हैं ना ही आप नेगेटिव मान सकते हैं, इट मींस आपकी वो किट खराब है। और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि यूरिन सैंपल आपने पीरियड्स के 2 या 3 दिन बाद ही फर्स्ट यूरिन लेना है, मॉर्निंग का सबसे पहले यूरिन लेना है, रात भर आपने होल्ड करके रखना है, और अगर हो सके तो 1-2 डेज और आप वेट करिए, उसके बाद आप टेस्ट करिए, नहीं तो मिनिमम 2-3 डेज आपने वेट करना है। और क्योंकि अब इसमें एक ही लाइन आई है, और अगर ये 2 लाइन है और आप इसको डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको वापस
इसी के रैपर में वापस रैप करके अपने पास रख सकते हैं और डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो ये मैं इसको वापस इसी में, ये मैंने इसको वापस इंसर्ट करके रख दिया। तो इट इज टू मच कन्वीनियंट एंड टू मच इजी ऑल्सो। थैंक यू, हैप्पी प्रेगनेंसी, एंजॉय योर प्रेगनेंसी। थैंक यू।